करण इंग्लैंड में रहने वाला एक भारतीय मूल्य का पॉलिटिशियन है, जिस पर इल्जाम है अपनी पत्नी बरखा के मर्डर का। लेकिन करण ने बरखा को नहीं मारा, उसकी पत्नी को मारा था घर में रहने वाली एक आत्मा ने। करण ये सच्चाई एक डिफेंस लॉयर सिमरन को बताता है ताकि उसे कोर्ट से बेल मिल सके। सिमरन उसे बेल दिला देती है, इसलिए बरखा को मारने वाली आत्मा सिमरन को परेशान करने लगती है, और वो आत्मा है एक लेस्बियन लड़की सोनिया की। सोनिया और बरखा के बीच यौन संबंध था, लेकिन बरखा ने दौलत के लिए करण से शादी कर ली और सोनिया को पागलखाने भिजवा दिया। इसलिए सोनिया ने पागलखाने में ही आत्महत्या कर ली और आत्मा बनकर अपना बदला ले रही है। लेकिन करण निर्दोष है, वो सोनिया को जानता तक नहीं था, इसलिए सिमरन जीतोड़ कोशिश करती है करण को बचाने की, क्योंकि अब सिमरन और करण एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। आखिरकार सिमरन करण को जेल से रिहा करवा देती है और साथ ही साथ सोनिया की आत्मा से भी।